बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 18+19। आई होप सो कि आप लोगों ने टेस्ट जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। इसमें जो है वो 18 और 19 इजी हैं ओवरऑल। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बाकी ज़्यादातर थ्रेटिकल क्वेश्चन आते हैं और उसी को जो है वो आपने जो है वो रिवाइज करना है सारी थ्योरी को अच्छे से। कुछ गेट्स के टॉपिक हैं उसमें से जो है वो प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी, अदरवाइज ओवरऑल जो है वो टेस्ट भी आसान है और 18+19 जो है वो चैप्टर्स भी इजी हैं एज फॉर एज एंटी टेस्ट इज कंसर्न। द रेजिस्टेंस एंड आइडियल डायोड, जब भी वर्ड आइडियल डायोड आता है ना तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं फॉरवर्ड बायस में जीरो, क्योंकि आइडियल डायोड जो है वो करंट को फ्लो होने देता है इजीली। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसमें से इजीली जो है वो करंट पास कर जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम क्या लेंगे वो जीरो लेंगे, जबकि रिवर्स बायस कंडीशन में जो है वो सेवरल मेगा ओम जो है वो रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है जिसकी वजह से वो करंट को ब्लॉक कर देता है। तो इन आम सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो पास कर सकता है, यानी अ डायोड कैन कंडक्ट, जबकि रिवर्स बायस में वो कंडक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन 2 जी, पी एन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज फॉर, इसमें हमें पता है जी पी एन जंक्शन जो है वो आपका जो है वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, यानी डायोड जो है एज एन एम्पलीफायर भी यूज करते हैं। आपके पास जो फोटो डायोड है वो डिटेक्टिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी के लिए भी यूज हो सकता है। लाइट रेडिएशन जो है, लाइट एमिटिंग डायोड LED, तो ये तीनों यूज हमने चैप्टर नंबर 18 में पढ़े हैं। इसका मतलब है आंसर इज रेक्टिफाई इक्वेशन। तो रेक्टिफाई करने के लिए जो है वो हम डायोड यूज नहीं करते, जो है वो इसके लिए जो है वो रेक्टिफाइड के लिए जो है वो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, वो पी एन जो हम हमारे पास जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हो हमने उसमें पढ़ा था, जो है वो डायोड जो है वो जो है वो यहाँ पे यूज हो सकता है। तो पी एन जंक्शन जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, डिटेक्टिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग ऑफ रेडिएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास पी एन जंक्शन है उसको हम रेक्टिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इजी इजी है क्वेश्चन 3 जी। इसमें कहता है कि जी द विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है बाई इंक्रीजिंग द डोपिंग कंसेंट्रेशन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डोपिंग बढ़ाने का मतलब होता है कि आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, जो जो आप इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, एन रीजन में आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर हैं वो क्या आ जाते हैं, होल्स, पी टाइप रीजन में होल्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दरमियान में जो है वो डिप्लीशन रीजन होता है। अच्छा, आप जो ही आप कंसंट्रेशन जो लाइट डोप्ड होते हैं, मतलब जिनमें आप कम कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी डालते हो, वहाँ पर जो है डिप्लीशन रीजन ज़्यादा बनता है, जबकि जो ही आप कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी बढ़ा देंगे तो यहाँ जो है एन रीजन और पी रीजन के दरमियान जो है वो क्या डिवेल्प हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प हो जाती है, जो कि इन आए जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम कर लेते हैं। रिपल्सिव का मतलब है, देखें होगा ये कि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी रीजन में मूव करना शुरू हो जाते हैं, एन रीजन से पी रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज करते रहते हैं, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनते जाते हैं, इस वाली साइड पर नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ आ रहे होते हैं राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। लेकिन यहाँ मैं इम्पोर्टेंट आपको बात बताता चलूँ कि जो ही आप हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डोपिंग आप डाल देते हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवेल्प हो जाती है जो कि इस रिपल्शन फोर्स को भी ओवरकम कर लेती है। आप देखें ना, डिफ्यूजन हो रही है, इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में जा रहे हैं लेकिन स्टॉप क्यों कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, ये जो है वो बन रहे हैं नेगेटिव आयन की लेयर बनती जा रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी रीजन में नहीं जा सकेंगे। तो जो ही आप कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी आप ज्यादा डाल देते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवेल्प हो जाती है जो कि इस रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन और डिक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है जी, जैसे यहाँ लिखा था विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड टू द सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटीज आर द एटम्स, यानी पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो आप डालते हो
एडेड टू द सेमीकंडक्टर्स टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी. नेक्स्ट है जी आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज जो है वो पास पेपर्स आर कंसर्न्ड. हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें जो अगर आपकी जो है वो हाफ वे रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं, हाफ वे रेक्टिफायर में अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो है, इनपुट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो आउटपुट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, एफ होती है. ठीक है जी. और चूंकि इसमें एक हाफ मिसिंग होता है ना, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एफ ही होगी. जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो कि आप नेगेटिव हाफ को भी जो है वो इन्वर्ट करके पॉजिटिव कर देते हो, तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, टू एफ डबल. हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टू एफ. चूंकि हमें यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा हुआ है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसलिए आंसर कौन सा है, बीटा. तो याद रखना है हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसमें उसने कहा है जी इन सेमीकंडक्टर डायोड पी साइड जो है उसको अगर हम अर्थ कर दें और एन साइड जो है उसके ऊपर -2 वोल्ट लगा दें, तो ये बताएं कि क्या वो कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पर ना एक सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड बाइस में जो है वो डायोड कंडक्ट करता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ ना कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि पी को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ दें, एन को नेगेटिव से जोड़ दें, फिर ही वो जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है. ऐसा नहीं है. असल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ये जो एनोड है जिसको हम पी साइड कहते हैं, पी एन जंक्शन कहते हैं, पी साइड जो है ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए. ये वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, मतलब इसको हम कहेंगे कि ये हाई पोटेंशियल पे है, जबकि जो है वो कैथोड जो है ये वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, जबकि कैथोड यानी एन टाइप वाली साइड जो है वो लो पोटेंशियल पे हो, हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बाइस बन गया है. ठीक है जी. जैसे यहाँ पर जो है उसने कहा है कि पी वाली साइड जो है यानी एन जो है उसको आप कौन से पोटेंशियल पे रखें, उसको ग्राउंड कर दें, तो ग्राउंड करेंगे तो वो जीरो पोटेंशियल पे हो गया, और एन वाली साइड जो है वो कहता है वो -2 वोल्ट पे है. अब मुझे ये बताएं जीरो बड़ा होता है या -2? जीरो डेफिनेटली बड़ा होता है. इसका मतलब है एनोड हाई पोटेंशियल पे है, जबकि जो आपका कैथोड है वो लो पोटेंशियल पे है. इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अगर एनोड जो है वो हाई पोटेंशियल यानी जीरो पे है, कैथोड जो है वो लो पोटेंशियल यानी -2 वोल्ट पे है, सो डेफिनेटली जो है इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बाइस बन गया. फॉरवर्ड बाइस में चूंकि कंडक्शन होती है, इसलिए आंसर हम कौन सा आंसर देंगे, अल्फा. इसमें अल्फा आंसर होगा. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, और डेट इज आल्सो सिंपल वन. इसमें ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है. तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो किसमें होती है, एमिटर में. तो इसका सिंपल आंसर है एमिटर है. बाकी आपने छोटे छोटे पॉइंट जो है इसमें यू मस्ट हैव टू रिवाइज, ये बुक में भी गिवन है. एमिटर के बारे में छोटी छोटी लाइन्स जो है, एमिटर का एरिया कम होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर, लेकिन ये हाईली डोप्ड रीजन होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर. और इसमें जो है इसी तरह से जो है वो आपने कहता है मीटर इज इन स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू कलेक्टर बट इट प्रोवाइड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ करंट फ्लो, मीन इसको जो है वो हाईली डोप किया जाता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर. इसमें डोपिंग की रेशो ज़्यादा होती है. इसी तरह बेस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और कलेक्टर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूर आपने रीड आउट करनी है, क्योंकि अक्सर जो है वो यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पिक होते हैं इस वाले रीजन से, इसलिए मैंने ये सारा आपको बताया. बुक के अकॉर्डिंग जो है ये आपने सारे पॉइंट्स रिवाइज करने हैं. नेक्स्ट बड़ा सिंपल है जी, 7 वाला कॉमन. हमें पता है कॉमन एमिटिंग एम्पलीफायर जो होता है, कॉमन एमिटर मोड में जो एम्पलीफायर यूज हो रहा होता है उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 का फेज डिफरेंस होता है. और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था वी आउटपुट जो है इसका गेन ऑफ एम्पलीफायर का, इसके साथ नेगेटिव साइन आता है. तो ये नेगेटिव साइन शो क्या करता है कि अगर आप इनपुट जो है आपकी जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो है वो आप इसको देते हो, तो आउटपुट जो है आपको 180 फेज शिफ्ट के साथ मिलेगी. तो आउटपुट जो है वो 180 फेज शिफ्ट के साथ मिलेगी. 180 का मतलब है कि यहाँ जो हम फेज ले रहे होते हैं वो उसको हम कह सकते हैं वो कितना होता है, पाए. ठीक है जी. सो जो एम्पलीफायर है उसमें जो गेन आता है -βRC और RIE, जहाँ RIE स्टैंड्स फॉर इनपुट एमिटर रेजिस्टेंस, तो नेगेटिव साइन शोज दैट कि 180 का फेज शिफ्ट होगा हमारी जो इनपुट और आउटपुट के इन बिटवीन.
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 जो न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं चैप्टर नंबर 18 में। हमें फॉर्मूला जो है वो पता है, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। यहाँ आपको बीटा गिवन है, आपको कलेक्टर करंट गिवन है, फाइंड क्या करना है, आपने बेस करंट जो है वो फाइंड करना है। सो बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, यहाँ से आई बी इज इक्वल टू आई सी ओवर बीटा हो जाएगा, आई सी इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 50। और आपको पता है कि ये जो 1/5 होता है ना, 1/5 ये 0.4 के इक्वल होता है, तो ये 2/50 यानी कि 2/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सॉरी वो 1/5 0.2 के इक्वल होता है, तो 1/25 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0.4 के इक्वल होता है, 0.04 के इक्वल होता है। तो आपके पास जो आंसर है वो 0.04 इंटू 10 इज माइनस 3 यानी 0.04 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा बनेगा, अल्फा आंसर बनेगा। सो इसमें जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए था, कैलकुलेशंस आर सो इजी, आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह का है, लेकिन इसमें वाइजली कैलकुलेट करना है। देखो बीटा इज इक्वल टू आई सी और आई बी, यहाँ से आई सी किसके इक्वल होता है, बीटा आई बी के इक्वल। उसने पूछी है रेशियो ऑफ एमिटर टू बेस करंट, सिर्फ एक वैल्यू गिवन है हमें, सिर्फ बीटा की वैल्यू गिवन है। तो जरा गौर करें, हमारे पास एमिटर करंट होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अगर मैं कलेक्टर करंट की जगह वैल्यू पुट कर दूं बीटा आई बी, तो यहाँ से आई बी करंट कॉमन आ जाएगा, आई बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई। हमें फाइंड ये करना है आई ई ओवर आई बी, यही तो फाइंड करना था, किसके इक्वल आ गया, बीटा प्लस वन के। बीटा आपको कितना गिवन है, 40 प्लस वन कितना हो जाएगा, 41। तो 41 इज द आंसर, आंसर आपका कौन सा बन रहा है, बीटा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन जो है वो 10, इसमें कहता है जी और गेट जो है कॉरेस्पॉन्ड, जो और गेट जो है उसको हम ऐसे ही लेते हैं जैसे जो है वो टू स्विचेस जो है उनको हम क्या ले रहे होते हैं पैरेलल में। कहता है जी आर गेट, इनमें से कौन सा गेट जो है जिसको हम कहते हैं कि वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे दो स्विचेस पैरेलल में हो, तो वो कौन सा गेट है, वो और गेट है। और जो एंड गेट है इट विल बिहेव लाइक टू स्विचेस इन सीरीज। देखो ना और गेट में जब भी दोनों में से कोई एक स्विच भी ओपन हो क्लोज होगा आंसर वन आ जाएगा, और जब दोनों जीरो होंगे तो आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब है ये इसके जो अगर आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसे कि और गेट का बनता है। और एंड गेट जो है इट विल बिहेव लाइक जस्ट टू स्विचेज इन सीरीज, वो इस तरह से काम करेगा जैसे दो स्विचेज इन सीरीज हैं। चूंकि एंड गेट में आउटपुट जो है वो वन उसी सूरत में आ सकती है अगर दोनों स्विच क्लोज है, यहाँ पर इनमें से कोई एक भी क्लोज हो गया तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। एंड गेट होता तो दो स्विचेस सीरीज में हम ले रहे होते। 11 अलजेब्रा जी, ए नॉट एंड बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट, इसमें जो ए नॉट एंड बी नॉट इज इक्वल टू आएगा जी, आप देखें ये वाला आपका ना नॉर गेट बनेगा। अगर हम इसको ए नॉट एंड बी नॉट को जरा सॉल्व करके देखें, ये वाला जो आपके पास जो है ना आपको डायग्राम जो है वो देखें, ये ए नॉट है ये बी नॉट है, इसके बाद आपने एंड लगाया तो ए नॉट एंड क्या बन गया, बी नॉट। अच्छा ये अब जो है वो आगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को, लेकिन और के पास चूंकि नॉट लगा हुआ है तो ये आपको ए आर बी नॉट यानी नॉर गेट के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा अब देखो कि हम ना इसको चेक करने के लिए, अगर ये डायग्राम बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आती, हम इसका ट्रूथ टेबल भी चेक कर सकते हैं। और ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना होता है, ये आपने करना इस तरह से होता है कि इसमें आपने ए ले लेना है, बी ले लेना है, और उसके बाद ए नॉट और आउटपुट ले लेनी है, आउटपुट जो है, ठीक है जी। अब आपके पास जो है यहाँ पर ए, यहाँ हम कह देते हैं इसको बी, ठीक है जी, और इसमें 0-0 रख के चेक कर लें, 0-1 रख के चेक करें, 1-1 रख के चेक करें, तो इसमें देखें जी अगर मैं 0 रख के चेक करूंगा दोनों को 0-0 ले लूंगा, और 1-0 करके देख लें इसको, 0-1 करके देख लें इसको, 1-1 करके देख लें। अच्छा अब हमारे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर जो है वो क्या है, ए नॉट एंड एंड बी नॉट, इसको हमें चेक करना है, ए नॉट एंड बी नॉट को चेक करना है। तो ए नॉट, इधर मैं कहूँगा ए नॉट एंड बी नॉट, इसको बेसिकली हमें ना चेक करना है बारी बारी। कैसे चेक करेंगे, बड़ा सिंपल वे है, देखो ए नॉट एंड बी नॉट, तो ए को पहले 0-0 के लिए अगर चेक करना है तो ए को भी 0 रख लूंगा, बी को भी 0 रख लूंगा, और चूंकि दोनों के ऊपर नॉट है तो आप देखें 0 कन्वर्ट 1 हो जाएगा। अब 0 के ऊपर नॉट है ये भी 1 हो जाएगा,
तो 1.1 यानी 1 and 1 आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1, मतलब पहले का आंसर 1 आ जाएगा। अब 0, 1 पर रख के देखेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, 0, 1 रख के देखेंगे आंसर अगेन 0 आएगा, 1, 1 रख के देखें तो इसको ना हम 1, 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है जी, इसको 1, 1 रख के देखते हैं फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर मैं इसको 1, 1 रख के देखता हूँ, ए भी 1 रख लिया आपने, बी भी 1 रख लिया, तो 1 का इन्वर्ट क्या होता है 0, इसका भी इन्वर्ट क्या हो गया 0, तो 0.0 का आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका ये भी आंसर 0 आ गया। अगर आप गौर करें कि ये जो हमारे पास आउटपुट आई है, ये वाली जो आउटपुट है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये नॉर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और नॉर गेट की जो हम लिखते कैसे हैं उसको ए और बी और ऊपर नॉट आ जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चार्ली आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी आपके पास 12 वाला, हाँ इसमें भी देखो कहता है जी डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड रिपीटेटिव यूज ऑफ नैंड गेट। याद रखना है नैंड गेट और नॉर गेट ये दो ऐसे गेट्स हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, मतलब मेरे पास अगर सिर्फ नैंड गेट है तो उससे हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, कैसे जरा ये देख लेना, मैंने सारे इसमें ऑप्शन दे दिए हैं। अगर हम नैंड गेट जो है नैंड गेट, इसके बाद ये हमारे पास नैंड कैसे बना है, नैंड जो है वो इस तरह से बनता है कि हम जो है वो क्या करें, नैंड जो है नैंड कहते हैं ये जो गेट है इसके अगर हम दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, देखो ये नैंड था, हमने क्या किया हुआ था एंड के बाद जो है अगर हम नॉट लगा दें, एंड के बाद नॉट लगा दें तो ये नैंड कहलाता है। अगर मैं इसकी दोनों इनपुट शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट का मतलब है सिंगल इनपुट हो गई और सिंगल आउटपुट हो गई, एक ही गेट ऐसा है जिसकी सिंगल इनपुट होती है सिंगल आउटपुट होती है, और वो वाला कौन सा गेट होता है, नॉट गेट। तो अगर मैं नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दूंगा तो वो कौन सा गेट बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा देखें, अगर मैं नैंड के बाद नॉट लगा दूं, अब ये देखो ये नॉट है ये नैंड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, तो नैंड के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो कौन सा गेट बन जाएगा, वो एंड गेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप दो नॉट का मतलब है अभी अभी जो हम बात कर रहे थे, दो नॉट अगर हम यहाँ यूज करें दो नॉट, और वो दो नॉट कौन से हैं जी, आपने क्या किया, दो नॉट का मतलब है कि पहला आपका जो है वो ये वाला नॉट है, चूंकि दोनों इनपुट्स इसकी शॉर्ट है, ये नैंड नहीं है, ये वाला गेट जो है ये भी कौन सा है, नॉट गेट है, तो के आपने इसकी इनपुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, ये वाला भी कौन सा है, ये भी नॉट गेट है। अब दो नॉट गेट के बाद जो है अगर आप नैंड दोबारा से लगा दें तो वो आपके पास कौन सा बन जाता है, वो और गेट बन जाता है। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया इसकी अगर आप इनपुट चेक करेंगे तो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, वो और गेट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसका मतलब ये हुआ हम नैंड से नॉट भी बना सकते हैं, एक नैंड यूज करके सिर्फ उसकी इनपुट्स को शॉर्ट करना है, दो नैंड गेट यूज करके हम एंड भी बना सकते हैं, और तीन नैंड गेट यूज करके हम और गेट डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13, द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसका ये उसकी ना प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि बुक में भी गिवन है, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट ओपन इनपुट रेजिस्टेंस होती है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, आंसर इज ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर सिंपल ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला यूज करना है 1+R2/R1, जो कि R1 इनफिनिट दिया हुआ है, तो ये वाला जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो 1+0 आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है जी। नॉन इन्वर्टिंग के लिए फॉर्मूला यूज होता है 1+R2/R1, और इन्वर्टिंग के लिए जो है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है जी, इन्वर्टिंग के लिए गेन का फॉर्मूला -R2/R1, तो R2 जो है वो यहाँ क्या है 1 मेगा मीन 10^6 और R1 क्या है किलो यानी 10^3, तो आपका आंसर जो है वो -1000 आ जाएगा, तो माइनस साइन फॉर्मूले में इसलिए साथ माइनस साइन भी आएगा, तो आंसर आएगा -1000 यानी कि चार्ली आंसर बनेगा। तो इसमें जो है वो इन्वर्टिंग के लिए -R2/R1 फार्मूला लगता है और नॉन इन्वर्टिंग के लिए 1+R2/R1 वाला फार्मूला यूज होता है। नेक्स्ट है जी इसमें 16 सिंपल है, ये गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एक्स नॉर गेट की, जिसको एक्सक्लूसिव नॉर भी बोलते हो, ठीक है जी, एक्स नॉर एक्सक्लूसिव नॉर, अगर यहाँ ये डॉट ना होता तो वो फिर आपका जो है वो एक्सक्लूसिव और गेट होता, तो फिर डॉट है, डॉट का मतलब था नॉट, इसलिए एक्सक्लूसिव और गेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ये भी, इसमें जस्ट आपने फॉर्मूला यूज करना है एम्पलीफायर का कॉमन एमिटर गेन में -β RC/RIE, आपको वैल्यूज गिवन है, RC की वैल्यू भी गिवन है,
आर आई ई की वैल्यू भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -500। तो इसमें ये वाला एम्पलीफायर वाला फॉर्मूला यूज होता है जी। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 18, और कहते हैं जी फोटो डायोड जो है कैन टर्न ऑन एंड ऑफ इन, ये आपने पढ़ा हुआ है नैनो सेकंड्स में, और ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो, और अगर फोटो डायोड के दरमियान ग्राफ बनाए तो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता है, मतलब ये ऑन और ऑफ हो सकता है नैनो सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो ऑफ। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है उसके साथ फोटो करंट जो है वो बढ़ता है, तो फोटो करंट ऑफ फोटो डायोड जो है वो रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जितनी तेजी के साथ लाइट बढ़ेगी उतनी तेजी के साथ रिवर्स करंट बढ़ जाता है, इस वजह से नैनो सेकंड में ये रिस्पॉन्स देता है। और फोटोवोल्टिक सेल जो है उसमें करंट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी इंटेंसिटी आप बढ़ा देंगे उतना फोटो करंट भी साथ साथ क्या होता है बढ़ता जाता है। 20 जी दी मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है जी, रिक्वायर स्मॉलर एनर्जी, इसलिए उनकी मोबिलिटी आसान है। यही वजह है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम NPN ट्रांजिस्टर का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू PNP ट्रांजिस्टर, तो NPN ट्रांजिस्टर का यूज इसलिए ज्यादा होता है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज ग्रेटर देन होल्स और इजी है एज कम्पेयर टू होल्स, इस वजह से आंसर इसमें कौन सा आएगा, बीटा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस विच ऑफ द क्वांटिटी डिस्क्रीट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपके आपको पता भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द एटम, तो उसका कहते हैं जी उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिस्क्रीट होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो कौन सा है जी, चार्ली। सो इट्स अ इजी वन। हाँ, ये वाला जो 22, इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, और करना क्या आपने इसमें जो है वो करना ये है, आपने फॉर्मूला याद रखना है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। हमें पता है फाई यानी वर्क फंक्शन होता है एच एफ नॉट, तो यहाँ फाई किसके इक्वल है, एच सी ओवर लैम्डा नॉट, तो यहाँ लैम्डा के बारे में उसने पूछा हुआ, वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ का फाई के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है अगर आप वर्क फंक्शन डबल करेंगे, तो वर्क फंक्शन आप डबल करोगे तो वेवलेंथ हाफ हो जानी चाहिए, चूंकि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वर्क फंक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वेवलेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशन बनता है, चूंकि मैंने एफ की वैल्यू पुट कर दी है सी ओवर लैम्डा, तो अगर आप वर्क फंक्शन डबल करेंगे तो वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर यहाँ क्या बनता है, अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन 23, इसमें भी याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और जो फोटो करंट है चूंकि इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अभी हमने बात की है, और याद रखना इसका मतलब है कि इंटेंसिटी चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब है करंट भी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो डिस्टेंस होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा, इसका मतलब है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप फिजिक्स लैब में किया करते थे, पार्ट टू में एक बल्ब वो बॉक्स होता था, जब आप बल्ब जो है उस बॉक्स में मूव करते थे सेंसर की तरफ तो करंट की रीडिंग बढ़ती जाती होती थी फोटो सेंसर, तो वो यही है, तो उसमें करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। यहाँ से चूंकि हमने आई टू फाइंड करना है, तो आई टू ओवर आई वन विल बी इक्वल टू आर वन ओवर आर टू, आर वन आपको 1 मीटर गिवन है जबकि आर टू 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर का मतलब हाफ मीटर, यानी कि यहाँ मैं 1/2 पुट करूंगा तो ये 4 बन जाएगा ऊपर जाके, तो I2 की वैल्यू 4 I1, I1 आपको कितना बताया हुआ 0.1, तो 0.1 पुट करेंगे तो आंसर आपका 0.4 आंसर बनेगा, तो इसमें आंसर आपका डेल्टा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है जी इसमें वर्चुअल मैस क्या होता है, वर्चुअल मैस देखो रेस्ट मैस ऑफ फोटोन क्या होता है, 0, तो वर्चुअल मैस जो है वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, HF ओवर C, और वर्चुअल मैस आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, इज इक्वल टू हम कहते हैं किसके इक्वल होता है, HF के इक्वल होता है, सही है जी, और या एक और फॉर्मूला जी इज इक्वल टू इसको आप कहें एच सी ओवर लैम्डा भी कह सकते हो, एच सी ओवर लैम्डा, और दूसरा जो है वो आपके पास फॉर्मूला था इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, MC² इज इक्वल टू MC², तो यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करके उसका वर्चुअल मैस कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्या आएगा, HF/C², तो इसका आंसर जो है आपका बनेगा अल्फा, सो इजी है जी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कॉम्प्टन स्कैटरिंग इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, उसके फॉर्मूले में जो है क्या आता है जी,
एच ओवर एम नॉट सी जो है वो कहता है किसके इक्वलेंट होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी बुक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है एच ओवर एम नॉट सी की वैल्यू है 2.43 × 10⁻¹² मीटर। इसका इसको हम कहते थे कॉम्प्टन वेव लेंथ। इसके जो है वो कॉम्प्टन इफेक्ट में ये आपने केसेस भी याद रखने हैं, अगर एंगल जीरो हो तो किसी तरह की कोई कॉम्प्टन शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती। अगर थीटा 90 हो जाए तो जो आपके पास जो कॉम्प्टन वेवलेंथ है वो कॉम्प्टन शिफ्ट के इक्वल हो जाती है। और अगर जो है वो आपसे को पूछे जी कि कब जो है कॉम्प्टन शिफ्ट और कॉम्प्टन वेवलेंथ जो है वो आपस में क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं, तो कॉम्प्टन शिफ्ट मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, 180 के एंगल पे होती है। तो ये जो क्वेश्चन हैं यू ऑलरेडी नो डैट, इनके बारे में आपको पहले ही पता होगा, लेकिन आपने एक बार रिवाइज जरूर कर लेने हैं। ये वाले केसेस जो है कॉम्प्टन इफेक्ट जो है वो शिफ्ट जीरो कब होती है, कॉम्प्टन शिफ्ट कॉम्प्टन वेवलेंथ के इक्वल कब होती है, और कॉम्प्टन शिफ्ट जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होती है, वो 180 के एंगल पे होती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 26, और इसमें एच ओवर लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर मोमेंटम को सिंपल पता है सबको, पी इज इक्वल एच ओवर लैम्डा होता है। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी आपने पढ़ा था, ये लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 27 याद रखना है जो आपने पास्टुलेट पढ़ा था, पास्टुलेट में सेकंड पास्टुलेट आ जो आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें कहता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है, और ये इनर्शियल ऑब्जर्वर और जो है ना ऑब्जर्वर कहता है सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी पे ये या रिलेटिव मोशन पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। जब हम कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये रिलेटिव मोशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर एक ऑब्जर्वर चाहे रेस्ट में हो, चाहे वो 1/6 जो है वो कह रहा है जी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, या 6/10 स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, यानी 0.6c से मूव कर रहा है, देर इज नो डिफरेंस। जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर है वो भी उसकी स्पीड जो है वो लाइट जो है उसको सी ही मेयर करेगा, जो मूविंग है वो भी सी ही लाइट मेयर करेगा। तो याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका आंसर जो है आपका कौन सा बनेगा जी, डेल्टा ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 28 जो क्वेश्चन है जी, इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं चैप्टर नंबर 19 से। आपको फॉर्मूला याद रखना है कौन सी, ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है HF-5Φ, यहाँ वर्क फंक्शन है इज इक्वल टू वी नॉट ई। अब यहाँ आपको गिवन जो है अगर आप गौर करें तो गिवन क्या है, आपके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो फोटोन की एनर्जी है एच एफ की। वर्क फंक्शन जो है हमें यहाँ से फाइंड करना है, वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई थी -5.5, यहाँ पुट कर दें तो वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और वर्क फंक्शन ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो है फाइव की वैल्यू क्या आ गई 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ एक बात गौर करें, जब मैं वी नॉट की वैल्यू पुट करूंगा -5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, इस वजह से दूसरी तरफ जाके ये ऐड हो गया। तो आंसर आपका 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर्स में बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं, आपने इनको जरूर एक दफा से रिवाइज जरूर करना है इनको, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, ये भी वो अभी ऊपर बात की है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ऑल ऑब्जर्वर्स के लिए इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसका आंसर अल्फा ही बनेगा। 30 वाला भी सिंपल है जी क्वेश्चन, इसमें कहता है जी कि पार्टिकल एनी हाइलेशन ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल जो है रिलीज एनर्जी ई तो मैस ऑफ ईच पार्टिकल। जब एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से टूटेगा तो टूटने के बाद जो है वो जाहिर है मैस हाफ में डिवाइड हो जाएगा, उन दोनों में मैस इक्वली हाफ में डिवाइड होगा, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू mc2। तो m ओवर क्या होगा, e ओवर c2, क्योंकि मैस हाफ हो रहा है तो इसका मतलब है m/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो बनेगा e/2c². तो इसका मतलब है कि जब पार्टिकल एनी हाईलेट होगा इन टू इट्स टू पार्टिकल्स इन टू इट्स एंटी पार्टिकल जो है, तो चूंकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मैस एग्जैक्टली सेम होता है, इसका मतलब है वो हाफ में मैस इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो m इज इक्वल टू e/c² होता है, तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करें, चूंकि हाफ मैस एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल का मैस पूछ रहा है ना, तो हाफ का मैस जो है वो m/2 होगा, यानी e/c² / 2, तो यहाँ पर आपका आंसर e/2c² बनेगा, यानी चार्ली। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 31, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है,
और ना तो ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड कर रहा होता है, ना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड कर रहा होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली जो है वो नेचर टू ऑफ द मटीरियल, मटीरियल टू मटीरियल जो है इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। सीफस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है जी, चार्ली 2.9 × 10³ - 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। 33 जी, इस तरह के क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में फ्रीक्वेंटली आपको नजर आएंगे जहां आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो, जैसे यहां 0.8c गिवन है। आप फार्मूला यूज करेंगे m0 / 1 - v/c² में v की वैल्यू पुट की 0.8c, सी से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब 0.8 जो है ये 8 स्क्वायर लेंगे ना, तो ये देखो ना 0.8 को 8/10 लिखेंगे आप, तो जब 8/10 का स्क्वायर होगा तो 64 ओवर क्या बनेगा 100, एलसीएम लोगे तो 36/100 आएगा। अब 100 जा रहा ऊपर चला जाएगा और जब इनका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 6/10 आ रहा है ना, तो 10/6 एम नॉट हो जाएगा और 2 से अगर ये कट जाए तो 5/3 एम नॉट आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा चार्ली। इसी तरह से अगर आपको यहाँ मैस गिवन होता तो आप एम नॉट की वैल्यू पुट करके उसका जो है वो वर्चुअल मैस जो है वो मूविंग मैस जो है वो या हाईलाइटेड मैस जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना मैस जो है उसका जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 34, ये आगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब्सॉर्प्शन पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है 1, तो एस ब्लैक बॉडी जो है वो कहता है जी जितना गुड अब्सॉर्बर ऑफ हीट होता है उतना ही गुड जो है वो रिफ्लेक्टर ऑफ हीट भी होता है। तो इसमें जो है आपकी बुक में भी लाइन लिखी हुई है, तो कहता है जी जितना कोई बॉडी जो है वो हीट अब्सॉर्प्शन की पावर उसमें जितनी ज्यादा होती है उतना ही वो अच्छा हीट का मीटर भी होता है। तो इसलिए हम ब्लैक बॉडी को यूज करते हैं रेडिएशन की स्टडी के लिए, चूंकि उसके ऊपर फॉल करने वाली ऑलमोस्ट ऑल दी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है और जब आप उसको हीटअप करते हैं तो उनको रीएमिट करता है। फिनोमेना कैनॉट बी अंडरस्टूड विद द फ्रेम वर्क ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स से ना तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इन तीनों को जो है हम जो है वो स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हम मॉडर्न फिजिक्स यूज करते हैं। यही वजह है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये हमें मॉडर्न फिजिक्स ने बताए। अगर दो हमारे पास एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन द लेबोरेटरी 2 m/s है, एक ऑब्जर्वर भी 2 m/s की स्पीड से मूव कर रहा है, ये एक्सलेशन गिवन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वही एक्सेलेरेशन होता है ना, तो रेट ऑफ जो चेंज इन वेलोसिटी जो है 2 m/s से वो विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन क्या हो गया सेम। इसका मतलब दोनों की एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इसका मतलब आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा बीटा यानी जीरो। 37 जी, द सर्किट डायग्राम शोज परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस। ऊपर मैंने आपको बताया है कि अगर नैंड गेट के बाद नॉट गेट लगा दें, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये वाले, तो ये आप देखें आपने नैंड गेट के बाद क्या लगाया था नॉट गेट, तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और नैंड को नॉट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हम उनकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बनेगा एंड गेट। तो आप नैंड के बाद अगर दोबारा नॉट लगा देते हो तो वो दोबारा से उसकी सारी इनपुट्स को आउटपुट्स को क्या कर देगा रिवर्स कर देगा, इसका मतलब है आंसर आपका बीटा बनेगा। 38 में सिर्फ फॉर्मूला बताना है जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2 m e, ये कैसे आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ से आता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है एच ओवर एम वी। हमने काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता था 1/2, अगर आपको याद हो 1/2 p² / m, पार्ट 1 में भी आपको करवाया था। तो यहाँ से मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा √2 m इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो जस्ट आपने एम वी की जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ के, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक होगा जी, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है जी, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि हमारे पास एक सर्टन मेटल है, अगर उसके ऊपर वी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दें v/2 कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहता है जी फिर आपका जो है वो व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद फ्रीक्वेंसी v/2, तो अब बताएं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर v0/4 है तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसकी क्या होगी। अब थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जनरल वो क्या है जी, HF - HF0 = V0E।
यहाँ से एच एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट ई प्लस, ये माइनस इधर आकर प्लस कर दें। अब जो पहले आपको कंडीशन गिवन है उसमें फ्रीक्वेंसी को वो वी कह रहा है, तो एच वी इज इक्वल टू वी नॉट ई एच एफ नॉट कहता है, उस वक्त उसकी जो वर्क फंक्शन था वो वी नॉट था। दूसरी दफा कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी हाफ हम करते हैं वी बाई टू करते हैं, तो वर्क जो आपका वी नॉट है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वी नॉट ओवर क्या हो जाता है, फोर हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, और माशाल्लाह आपको पता है कि इनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हमने कैलकुलेट असल में क्या करना है, एफ नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ से एफ नॉट आपका जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी बाय थ्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपको जो है ना उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी मतलब हम दोबारा मैं लॉग इन होता हूँ, आप साथ साथ क्वेश्चन पूछ लें, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है जिन लोग जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर तक, तो आप उसको कंप्लीट सुन लीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं दोबारा लॉग इन होता हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप रीज्वाइन कर सकते हैं।